शहर में ड्रग माफियाओं पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस लगातार नशे के सौदागरों को गिरफ्त में ले रही है। इसी कड़ी में मल्हारगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां भांग से भरे एक लोडिंग वाहन को पकड़कर करीब 400 किलो से ज्यादा भांग जब्त की है। वहीं कराडिया पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 21 किलो गांजा बरामद किया है। इसके पहले कराडिया पुलिस ने बाईपास ब्रिज पर चेकिंग के दौरान रविवार रात BMW कार से शराब की तस्करी करते हुए एक बदमाश को पकड़ा था। मल्हारगंज पुलिस सुबह क्षेत्र में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जिनसी चौराहे से एक लोडिंग वाहन निकला। पुलिस ने चेकिंग के लिए गाड़ी रोकना चाही तो चालक ने गाड़ी तो तेजी से दौड़ा ली। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और उसके पीछे अपनी गाड़ी को दौड़ा दिया। पुलिस को पीछे आता देख चालक ने गाड़ी साइड में लगाई और पैदल ही दौड़ लगाकर कॉलोनी के गलियों में घुस गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो भीतर कुछ बोरियां रखी हुई थी। बोरियों को खोलकर देखा तो उसमें भांग भरी हुई थी। कट्टे में करीब 400 किलो भांग रखे होने का आकलन किया गया है। पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर मामले की पड़ताल में जुट गई है।